कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सर्वप्रथम नगर निगम में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर्मचारियों व अन्य जनता के लिए किया गया है। साथ ही नगर निगम के पास सभी 17 वार्डों को सैनिटाइज करने के प्रबंध भी पुख्ता किए जा रहे हैं। सैनिटाइज मशीनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सभी कर्मचारियों को ग्लव्स व समय समय पर सैनिटाइज करने के भी आदेश दिए गए हैं। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि नगर निगम में बिना मास्क प्रवेश वर्जित है ताकि नए वेरिएंट से बचाव हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास 17 सैनिटाइज मशीनें हैं जिसे की तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि जैसा स्वास्थ्य विभाग का अंदेशा है उससे बचा जा सके। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। आपस में बैठ के एक मीटिंग की थी, ज्वाइंट मैडम से डिस्कस हुआ था, तो ज्वाइंट मैडम को मैंने कहा है कि एक लेटर निकालो पूरे स्टाफ को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, और वो सभी जो है मास्क लगा के आए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो आ रहा है, उसके मामले जो है इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी आदेश है कि मास्क लगाकर जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें सभी, तो लोगों को भी हमने जो है अवगत करवा रहे हैं। तो हमारा जो नीचे सेंट्रल स्टाफ है उनको भी हमने कहा कि ग्लव्स वगैरह दें और सैनिटाइज़र दें, उनको भी एक आदेश जारी किए हैं कि वो ग्लव्स और सैनिटाइज़र करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें मत जाएं, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सभी को अपना अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तो एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है नगर निगम ने भी तैयारियां की हैं कि अगर ये मामले जो हैं ज़्यादा बढ़ते हैं, तो जैसे हमारे पास सैनिटाइज करने के लिए हमने पहले भी 17 वार्डों के लिए 17 मशीनें मंगाई थी, तो वो मशीनें हमारी पड़ी हैं। हमने अपने स्टाफ को आदेश दिए हैं कि उनकी जाँच करें कि वो मशीनें चेक हैं, कितनी हमारी वो ख़राब हैं, अगर ठीक हैं तो उसको बिल्कुल तैयार रखें। तो नगर निगम की पूरी तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।